पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान की तबीयत काफी खराब हो गई है। उन्हें गुरुग्राम की वेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। सुबह ही उनकी किडनी फेल हो गई। फिलहाल उनको लाइव सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और उनकी हालत काफी गंभीर है। हाल ही में चेतन चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। जुलाई के महीने में चेतन चौहान की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि अब चेतन चौहान की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक चेतन चौहान की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगावा विधानसभा से विधायक हैं। आपको बता दें कि चेतन चौहान भारतीय क्रिकेट टीम के एक बड़े बल्लेबाज रह चुके हैं। वहीं अब चेतन चौहान भारतीय राजनीति में काफी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। चेतन चौहान भारतीय जनता पार्टी से दो बार सांसद रह चुके हैं। वहीं चेतन चौहान का क्रिकेट करियर भी काफी शानदार रहा। चेतन चौहान ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 40 टेस्ट मुकाबले खेले। इसके अलावा चेतन चौहान ने वनडे मुकाबलों में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। टेस्ट मुकाबलों में चेतन चौहान के नाम 2084 रन दर्ज हैं। अब सभी चेतन चौहान की सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। ताजा जानकारी के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें न्यूज इन शॉर्ट।